हर साल हमें स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में अपग्रेड देखने को मिलता है, उसके डिजाइन में अपग्रेड देखने को मिलता है, उसके डिस्प्लेज में अपडेट देखने को मिलता है, और वो चीज़ें हमको दिख जाती हैं। जो चीज़ें हमको नहीं दिखती होती हैं वो होती हैं अंदरूनी। अब यहाँ पे प्रोसेसर में भी हर बार अपग्रेड किए जाते हैं और हर बार इतना कातिलाना प्रोसेसर बनाया जाता है कि मतलब वो हर तरीके के टास्क को हैंडल कर पाए। इस वक्त मैं सबसे एकदम मार्केट के धुरंधर प्रोसेसर की बात करूँ तो वो है A14 बायोनिक चिप, जो हमको एप्पल में देखने को मिलता है, और उसके बाद स्नैपड्रैगन 875 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमको देखने को मिला है यहां पे एंड्रॉइड सिस्टम के साथ स्नैपड्रैगन 888। मे बी एक क्वालकॉम का 8वां साल है, इसलिए स्नैपड्रैगन 875 नहीं रख के उन्होंने 888 इसका नाम रखा है। और जो तीसरा कमाल का प्रोसेसर है 5nm पे बना हुआ, वो है ये हुआवे का किरिन 990, जो बेसिकली इसका क्या फ्यूचर है उसका पता नहीं है, लेकिन ये जो दो प्रोसेसर हैं एंड्रॉइड और यहां पे iOS के, वो काफी काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब यहां पे आपसे मैं डेडिकेटली बात करने वाला हूं स्नैपड्रैगन 888 पे, जो 5nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है। अब 5nm एक बाल से भी पतला होता है। अभी यहां पे आप ये बोलोगे कि इतना पतला होता है तो यहां पे हमको प्रोसेसर इतने बड़े क्यों दिखाए जाते हैं कि हाँ इतना बड़ा प्रोसेसर है। तो बेसिकली ये प्रोसेसर नहीं बना होता है 5nm पे, प्रोसेसर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं वो 5nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बने होते हैं, और उस प्रोसेसर में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मिलके एक प्रोसेसर को बनाते हैं, इसलिए उसकी साइज इतनी सी हमको देखने को मिलती है, बल्कि उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो इस स्नैपड्रैगन 888 की कितनी ताकत है, क्या कुछ हमको प्रोवाइड करता है, A14 बायोनिक सामने कितना टिकता है, क्या इसके अंततः बेंचमार्क निकल के आते हैं, क्या प्रोसेसर है, कितना ये सपोर्ट करता है, पूरी एकदम बाल की खाल निकालने के लिए दोस्तों हम भी यहां पे रेडी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और उसके बाद अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले मैं आपसे इसकी रैम की बात करता हूँ। बेसिकली हमको किसी भी स्मार्टफोन के प्रोसेसर के साथ लिखा हुआ मिलता है कि इसमें 6GB रैम है, 8GB रैम है, तो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है अप टू 16GB की रैम तक, और ये टाइप होने वाला है LPDDR5 बेस्ड। ये 2750 MHz की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट कर जाता है। इसका मतलब ये रीड राइट की जो स्पीड आपको देखने को मिलने वाली है वो बहुत ही कातिलाना होगी। और यहाँ पे आपसे स्टोरेज की बात करूँ तो ये UFS 3.1 तक सपोर्ट करता है। अब आपसे मैं इसके आर्किटेक्चर की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये 5nm की आर्किटेक्चर पे फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है। अब यहाँ पे आप जितने nm नंबर कम होंगे ना, आप इतना सा समझ लो कि उसमें हीटिंग जो होगी वो बहुत ही कम होगी, और उसके बाद जो बैटरी कंज्यूम होगी वो भी बहुत कम होगी, और जो पावर आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर्स की साइज है वो बहुत कम है, इसलिए वो बैटरी कम खाएंगे, और बहुत कम है इसलिए उसमें 25% इसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एज कंपेयर टू ओल्डर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के। तो इसके चलते इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो मार्केट में अब तक 5nm से कम का कोई प्रोसेसर नहीं है। 3nm के में भी हमको अगले से अगले साल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक का जो मार्केट है वो 5nm पे टिका हुआ है, चाहे आप iOS की बात कर लो, चाहे आप इस एंड्रॉइड सिस्टम की बात कर लो। और अब आपसे बात करूं मैं इसके डिस्प्ले सपोर्ट की, तो बेसिकली ये 4K डिस्प्ले तक सपोर्ट करता है। तो इसके चलते जो रेजोल्यूशन आपको दिखने वाला है, जो कलर्स देखने को मिलने वाले हैं, वो काफी कमाल के होंगे, और 144 की हायर रिफ्रेश रेट को भी ये सपोर्ट करता है, तो ये भी काफी कमाल चीज बन जाती है। और अब आपसे बात करूं मैं इसमें लगे हुए मॉडेम की, इसमें तगी हुई ताकत की, तो हम सबको पता है कि 5G के बिना आजकल कोई खिचड़ी नहीं बनती है। तो बेसिकली जो भी हमको फ्लेक्सिबल लेवल के प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं वो सारे 5G एनेबल देखने को मिल रहे हैं। इसमें हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X60 मॉडेम देखने को मिलता है, जो ड्यूअल बैंड 5G को सपोर्ट करता है, जिसके चलते हमको सब 6 और मिलीमीटर वेव 5G ड्यूअल बैंड सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और ये ब्लूटूथ वर्जन 5.2 को सपोर्ट करता है, और इसी के साथ हमको वाईफाई 6 और 6E का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब आप ये सोचोगे कि 6E क्या है? 6E एक्चुअली वाईफाई 6 का एक एडवांस वर्जन है, जिसके चलते आपको 6GHz की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, जो अगेन एक काफी कमाल की चीज है। और अब आपसे बात करूं मैं इसी स्नैपड्रैगन X60 मॉडेम के डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड की, तो ये डाउनलोडिंग स्पीड आपको दे सकता है अप टू 7.5 GBPS। यहां पे मैं MBPS की बात नहीं कर रहा हूं, GBPS की बात कर रहा हूं, और यहां पे जो अपलोडिंग स्पीड होगी वो आपको 3 GBPS तक देखने को मिलेगी। अब यहां पे जो स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिला था उसमें भी ये सेम चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन यहां पे हमको देखने को मिल जाता है 5G कैरियर एग्रीगेशन, जिसके चलते हमको 5G प्लस के चलते बहुत ही कमाल की स्पीड देखने को मिलेगी इसमें। और अब आपसे मैं बात कर लेता हूं इसके CPU की, इसकी कंट्रोल
कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो यहां पे आपको मैं एकदम थोड़ा खुल के बताऊं तो बेसिकली ये ओक्टा कोर 64 बिट आर्किटेक्चर पे बेस्ड बना हुआ है। यहां पे हमको 8 कोर्स देखने को मिलती हैं। नॉर्मली हमको 4+4 का डिवाइडेशन देखने को मिलता था, लेकिन यहां पे हमको 1+3+4 का डिवाइडेशन देखने को मिलता है, जिसके चलते जो एक कोर है वो हमको प्राइम कोर देखने को मिलती है, आर्म कॉर्टेक्स X1 वाली कोर है, जो हमको एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ की। तो यहां पे ये बिल्कुल कमाल हो जाती है कहानी। उसके बाद जो 3 कोर हैं वो हमको गोल्ड कोर देखने को मिलती हैं, जो बेस्ड हैं कॉर्टेक्स A78 बेस्ड, और ये पावर प्रोवाइड करती हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का। वहीं जो नेक्स्ट 4 कोर्स देखने को मिलती हैं वो हमको सिल्वर बेस्ड देखने को मिलती हैं, कॉर्टेक्स A55 बेस्ड, जो पावर प्रोवाइड करती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की। तो आप ये सोच सकते हो कि ये प्रोसेसर आपको 2.84 गीगाहर्ट्ज़ की पावर प्रोवाइड करने वाला है, जो अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल बेस्ड है। पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्नैपड्रैगन 865 प्लस से, तो ये 25% ज्यादा आपको पावर प्रोवाइड करेगा और 25% पावर को कम कंज्यूम करेगा। और अब आपसे बात करूं मैं इसके जीपीयू की, इसकी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, तो बेसिकली पबजी वापस आने वाला है और पबजी को एकदम धुरंधर मक्खन की तरह खेलने के लिए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ हमको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये लेके आता है एड्रेनो 660 को, जिसके चलते आप इसको यूज कर सकते हो 144 हर्ट्ज़ पे, मतलब कमाल मक्खन जितना स्मूथ। अगर मैं इसके ओल्ड वाले प्रोसेसर से इसको कंपेयर करूं तो बेसिकली 35% मोर पावरफुल देखने को मिलेगा और 20% कम पावर कंज्यूम करेगा। तो ये भी अपने आप में अगेन एक काफी कमाल चीज बन जाती है। और अब आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं इसके AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो बेसिकली स्नैपड्रैगन 888 में लगा हुआ है हेक्सागन 780 इंजन, तो बेसिकली ये काम करता है 26 ट्रिलियन ऑपरेशंस को पर सेकंड हैंडल कर सकता है। आप ये सोच सकते हो ये कितनी कमाल, मतलब कितनी ज्यादा ऑपरेशंस को एट ए टाइम और कुछ विद इन ए सेकंड आपको रिजल्ट निकाल के देगा। तो काफी कमाल चीज बन जाती है, और वो भी 26 ट्रिलियन ऑपरेशंस एट ए टाइम। और अब आपसे बात कर लूं मैं इसके एक कैमराज की, तो क्योंकि हम इंडियन ऑडियंस के लिए कैमराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये अप टू 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट कर सकता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, और 4K 120fps पे रिकॉर्डिंग कर देगा आपको 18 बिट HDR के साथ। तो कमाल की स्मूथनेस आपको वहां भी देखने को मिल जाएगी। और आपसे यहां पे मैं ISP की बात करूं तो यहां पे ये तो काफी कमाल चीज बन जाती है, ये एक सेकंड में 12 मेगापिक्सल की 120 फोटोज को क्लिक कर सकता है। तो सोचो एक सेकंड में 120 फोटोज, वो भी 12 मेगापिक्सल की, तो काफी कमाल की पावर को अपने अंदर समेटे हुए है। अभी मैं इसके ISP को थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं तो ये ट्रिपल ISP को अपने साथ में लेके आता है। स्नैपड्रैगन 865 प्लस की भी बात करें तो ये ड्यूअल ISP को लेके आता था। अब यहां पे ISP है इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। अब यहां पे ट्रिपल का मतलब ये है कि ये एट ए टाइम 3 फोटोज को क्लिक करेगा और उसके बाद उनको कंबाइन करके आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। और अब तक हमको 2 फोटो कंबाइन देखने को मिलती थी अगर स्नैपड्रैगन 865 प्लस की बात करें तो। अब आपसे बात करूं मैं इसके चार्जिंग सपोर्ट की, तो बेसिकली ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 5 को सपोर्ट करता है, जिसके चलते अप टू 100 वोल्ट की चार्जिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो काफी ज्यादा कमाल की है ये भी। अब आपसे बात करूं मैं कौन से फोन से आपको इस पे बेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो Realme भी एकदम बाजी लगा के बैठा है। Realme का Ace या Race कोई स्मार्टफोन होगा जो हमको 888 पे देखने को मिलेगा। उसके बाद MI 11 आने वाला है, Redmi का भी फोन देखने को मिलेगा, Asus का भी आएगा, Black Shark लेके आएगा, LG का लेके आएगा, और Oppo का फ्लेक्सिबल लेवल का फोन है Oppo Find X3, वो भी हमको 2021 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। तो ये काफी कमाल की पावर को अपने अंदर समेटे हुए होंगे ये जो फोन आने वाले हैं इसी स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर। और मुझे लगता है कि जो स्मार्टफोन के वीडियोस देखते हैं, जिनको ज्यादा टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, वो बेसिकली ये सोचते हैं कि भाई जो अंततः बेंचमार्क हैं उनसे हम पता लगा लेंगे। तो बेसिकली आप इतना लगा के चल सकते हो कि इसकी 7.5 लाख से 8 लाख तक इसके अंततः बेंचमार्क स्कोर निकल के आएंगे, जो बहुत 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 ज्यादा हैं। अभी तक हम अगर नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं बल्क में, वो 2 लाख से 3 लाख वाले हैं, और अभी 8 लाख की बात चल रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही कमाल चीज बन जाती है। तो वैसे यार यही है इसी स्नैपड्रैगन 888 का पूरा ऑपरेशन। मैंने आपके सामने रख दिया है इसकी पूरी फैब्रिकेशन प्रोसेस, CPU GPU इसकी क्या है, ताकत क्या है, डाउनलोडिंग स्पीड क्या है, अपलोडिंग स्पीड क्या, डिस्प्ले को सपोर्ट करता है क्या, कैमरा को सपोर्ट करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या कुछ हमको खास देखने को मिल जाता है और क्या कुछ लेके आने वाले हैं जो आने वाले अपकमिंग फोन हैं जो बसे होंगे इसी स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर, 5G प्रोसेसर के ऊपर। तो वैसे यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसी के साथ करना है बेल आइकन को प्रेस। एज यूजुअल हैव अ फंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।